इतिहास के पन्नों में भारतीय सेना के लिए 15 जनवरी का दिन बहुत ही खास है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये बात है साल 1949 की। भारत को आजादी मिलने के बाद भी सेना की कमान ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर के पास थी। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल कोडंडेरा एम करियप्पा ने सेना के पहले कमांडर की कमान संभाली। उस समय भारतीय सेना में करीब 2,00,000 सैनिक थे। ये पल इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही सुखद और गौरव भरा हुआ पल था। इसके अलावा 15 जनवरी की तारीख खोजी लोगों और विकिपीडिया के लिए अहम है, क्योंकि लोगों के सर्च रिजल्ट का अहम हिस्सा बन चुके विकिपीडिया का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया को जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने शुरू किया था। विकिपीडिया को इस सोच के साथ शुरू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति इसे एडिट कर सकता है। इतिहास का तीसरा अंश, भारत और नेपाल में 1934 में आए भीषण भूकंप की दुखद घटना के रूप में दर्ज है। भारत में बिहार और पड़ोसी नेपाल के सीमावर्ती इलाके में आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8.4 आंकी गई थी। इस भूकंप में करीब 11,000 लोगों की मौत हुई और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था।